और बुलेटिन की शुरुआत में हम युद्ध की बात करेंगे। महायुद्ध में नाटो देश यूक्रेन के लिए ढाल बन चुके हैं इस वक्त, और इन सबके बीच स्वीडन ने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में मजबूती देने के लिए 278 मिलियन डॉलर की मदद भेजी है, और जिसमें सैन्य तकनीकी मदद शामिल है। स्वीडन ने एयर डिफेंस सिस्टम से भी यूक्रेन को मजबूत करने का ऐलान किया है, जो पुतिन का गुस्सा भड़काने के लिए बेहद अहम है। और स्वीडन की मदद के बाद महायुद्ध में नया सीन क्या बनने वाला है, उस पर देखिए पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। महायुद्ध में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से तबाही मचा रखी है। यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की बारिश और पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक से यूक्रेन सहमा हुआ है। ऐसे वक्त में रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को साथी देश ने मदद भेजने का ऐलान किया। जंग में रूस के साथ हाथ मिलाए स्वीडन ने इस बार यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम समेत 287 मिलियन डॉलर की मदद भेजने का ऐलान किया है। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राहत पैकेज में यूक्रेन के लिए सैन्य तकनीकी और मानवीय सहायता शामिल होने की बात कही जा रही है। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज होगा। Detta är alltså det största biståndspaketet som Sverige har gett vid ett enskilt tillfälle till Ukraina, 720 miljoner. युद्ध की शुरुआत में पुतिन ने दावा किया था कि महज कुछ ही दिनों में रूस के सैनिक यूक्रेन की जमीन को जीत लेंगे, लेकिन नेटो की मदद ज़ेलेंस्की को महायुद्ध में मजबूत कर रही है और यूक्रेन को मिल रहे लगातार हथियार पुतिन की नींद उड़ाए हुए हैं। इससे पहले भी स्वीडन ने यूक्रेन को मदद भेजी थी, जिसमें स्वीडन ने 5,000 एंटी टैंक रॉकेट्स, 1,35,000 फील्ड राशन, 5,000 हेलमेट और 5,000 बॉडी आर्मर यूक्रेन भेजकर सेना का मनोबल भी बढ़ाया था और मैदान में मजबूत भी किया था। जंग की शुरुआत से स्वीडन यूक्रेन को किसी न किसी जरिए मदद भेज रहा है। पिछले महीने ही यूक्रेन को स्वीडन से 155mm आर्चर मिली थी। SPG 155 मिलीमीटर की तोप यूक्रेन के जंगी बेड़े में एक घातक हथियार के तौर पर शामिल हुई थी। 155 मिलीमीटर आर्चर BAE सिस्टम की ओर से तैयार की गई स्वचालित अविद्जर है। 155 मिलीमीटर आर्चर में कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। आर्चर से करीब 40 किलोमीटर तक टारगेट को मार गिराने की ताकत है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आर्चर से मल्टी राउंड साइमल्टेनियस इंपैक्ट फायर हो सकता है और ये हर 30 सेकंड के विस्फोट में 6 राउंड तक फायर करने में सक्षम है। रूस की आग उगलती मिसाइलें जब फटती हैं, तब बारूद का ऐसा तूफान आता है जो सब खाक में मिला देता है। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे थे, जिन्हें जवाब देने के लिए स्वीडन की ये मदद यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हुई। संघर्ष के 9 महीने बाद अब भी पुतिन यूक्रेन को शिकस्त देने का सपना लिए हैं, लेकिन नेटो का सपोर्ट यूक्रेन को महायुद्ध में मजबूत किए हुए है।